इस समय किसी देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी का इंतज़ार है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। दुनिया के कई मुल्क वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अमेरिका को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका में होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार चुनाव से ठीक पहले जल्दबाजी में किसी कोरोना वैक्सीन को पास कर सकती है। इस समय पूरी दुनिया सिर्फ एक ही दुआ कर रही होगी कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन बने, इस महामारी से छुटकारा मिले। दुनिया के लगभग कई देशों में वैक्सीन पर तेजी के साथ काम हो रहा है। एक सफल कोरोना वैक्सीन हासिल करने के लिए अमेरिका तेजी के साथ काम कर रहा है। ट्रंप की सरकार ने जल्द कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड लॉन्च किया। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि सरकार चुनाव से ठीक पहले जल्दबाजी में किसी कोरोना वैक्सीन को पास कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन वार्प स्पीड से जुड़े कुछ लोग अक्टूबर तक वैक्सीन तैयार करने के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के साथ काम कर रिसर्चर्स को डर है कि आने वाले महीने में सरकार वैक्सीन तैयार करने के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। वैक्सीन सफल बनाने में तेजी लाने और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करने के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर राजनीतिक सरगर्मी न हो तब भी वैक्सीन ट्रायल में तेजी लाने और अप्रूवल दिए जाने को लेकर काफी डिबेट हो सकती है, क्योंकि किसी वैक्सीन का टेस्ट जितना लंबा चलता है उसके सुरक्षित और प्रभावी होने की संभावना उतनी ज्यादा है। लेकिन देश में कोरोना से रोज हो रही सैकड़ों मौतों को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि वैक्सीन को कब आम लोगों के लिए उपलब्ध कर देना चाहिए। FDA की वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर पॉल ए ऑफिट ने कहा कि प्रक्रिया में शामिल काफी लोग नर्वस हैं कि क्या FDA ऑपरेशन वार्प स्पीड की एक, दो या तीन वैक्सीन को लेकर ऐलान कर देगा कि हमने इनका टेस्ट हजारों लोगों पर किया, ये सुरक्षित मालूम पड़ती है और अब हम इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीन पर काम कर रहे भारतीय औषधि महानियंत्रक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वायरस के टीके के देश में दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये मंजूरी औषधि महानियंत्रक डॉक्टर VG सोमानी ने रविवार देर रात दी। दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन पर विचार करने के बाद SEC ने 28 जुलाई को इस संबंध में कुछ और जानकारी मांगी तथा प्रोटोकॉल में संशोधन करने को पैनल ने सुझाव दिए। क्लिनिकल ट्रायल के स्थलों का चुनाव पूरे देश भर में किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।